अंकिता लोखंडे की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की पत्नी यमुना बाई के किरदार में नजर आई है। एक्ट्रेस ने ये बताया है कि उन्होंने इस रोल को क्यों चुना, साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें स्क्रीन पर बुढ़ी महिला के किरदार निभाने से डर नहीं लगता है। 22 मार्च को रिलीज हुई रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर चर्चा में बनी हुई है। इतिहास में जुड़े बड़े नाम विनायक दामोदर सावरकर की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने साथ बिग बॉस 17 के फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी काम किया है। अंकिता इस फिल्म में सावरकर की पत्नी यमुना बाई के किरदार में नजर आई है। एक्ट्रेस ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों चुना, साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें स्क्रीन पर बुढ़ी महिला के किरदार निभाने से डर नहीं लगता है। रोल को चुनने के बाद अंकिता लोखंडे ने कहा, मैं इतना सोचती नहीं हूँ इमेज के बारे में, मुझे लगता है कि मैं ऐसी फिल्म करके और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को देख सकती हूँ। एक एक्ट्रेस और परफॉर्मेंस के तौर पर मुझे लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का काम है जो मिले उसे अच्छे से निभाओ, और ये जो मिला था मुझे यमुना बाई के किरदार था, वो भी सावरकर की वाइफ, तो मेरे लिए जब ये रोल संदीप लेकर आए थे तो मेरे लिए ऐसा था कि बस मुझे हाँ बोलना था। मैंने कहा था कि नहीं हाँ नहीं करूंगी। मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये लगी है।